गुड मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग दिन की हमें तैयारी करनी है। आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे का दिन, लेकिन नई सीरीज का आज से आगाज होना है। और पिछली सीरीज एटलीस्ट उसकी एंड जो था, लास्ट लैप जो था, बुरा नहीं था, अच्छा मोमेंटम पकड़ा, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग डेज हमने देखे। लेकिन आज सुबह जो पिच है ना, वो थोड़ी गड़बड़ा गई है, तो बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं उस पिच को लेकर, जैसे मोतेरा को लेकर उठ गए हैं। मूड बिगड़ा यूएस मार्केट्स में जब बॉन्ड यील्ड्स ने उछाल दिखाना शुरू करा, तो बॉन्ड यील्ड्स एक समय 1.55 के लेवल्स पे पहुंची और उसने इक्विटी मार्केट पे फिर सीरियस प्रॉफिट टेकिंग दिखाई। अब 1.5 से 3.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में दबाव था। नैसडैक मल्टी मंथ में, मेरे ख्याल से अक्टूबर के बाद सिंगल डे में इस तरह का प्रेशर यूएस मार्केट ने नहीं झेला था। इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग वहां पे आई, उस प्रॉफिट टेकिंग का रब ऑफ अक्रॉस एशिया नजर आ रहा है। और एशिया में हमारे एसजीएक्स निफ्टी साहब दिखा रहे हैं कि आज जो हफ्ते के आखिरी दिन है, अच्छे मोमेंटम के बाद वो मोमेंटम शुरुआत में तो लूज आउट होगा, शायद 2% का दबाव, ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने के अब तक इंडिकेशन आ रहे हैं। पर ध्यान रखें, हमारे बाजार खुलने में अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी कैसा पैन आउट होता है। लेकिन हाँ, दबाव के साथ शुरुआत होगी, ये गिवन है जिस तरह की पिच है। नीरज जी, क्या मामला हो गया? अरे, ये बॉन्ड यील्ड ने कल बड़ा गड़बड़ा दिया, 0.23% उछल गई थी। और इस पूरे साल 50 बेसिस पॉइंट्स का मूवमेंट आ चुका है, उछाल आ चुका है। ये 2020 की शुरुआत वाले इस तरह आपको बॉन्ड यील्ड में देखने को मिल रहा है। तो कल इसने एक्चुअली मूड खराब किया पूरा, इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड में सेलिंग देखने को मिली, फिर स्टॉक में सेलिंग्स हुई। तो जिसको जहाँ प्रॉफिट मिल रहा था, तो ऑब्वियस था कि नैसडैक वाले स्टॉक की पिटाई होगी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा गेन्स हुए थे। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ज़बरदस्त धुनाई हुई कल, और इसीलिए आप देखिए परसों भी जो है बहुत गिरा था नैसडैक। तो आईटी शेयर्स की या टेक्नोलॉजी शेयर्स की काफ़ी पिटाई हो रही वहाँ पे, हालांकि डाउ जोन्स भी 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। तो अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था वहाँ पे कल, भयानक बिकवाली देखने को मिली। गोल्ड आपका जो अब तक सस्टेन कर रहा था वो भी गिरा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड की वजह से गोल्ड में भी प्रेशर देखने को मिला। डॉलर हल्का सा मजबूत हुआ, हालांकि बहुत मजबूत नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो जाता हुआ दिखा। अब इस सिनेरियो से बनने से क्या हुआ कि पॉवेल साहब भरी भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेटल में आप देखिए हाईस पे हाई बना रहे हैं वो। कल एक समय ऐसा था 17-18% में एल्यूमिनियम का प्राइस ऊपर था इंट्राडे, और पूरे 5-6 महीने देखिए 45% ऊपर गया है। तो हिंडाल्को की जो वन साइडेड रैली है, उसका ठोस कारण ये था। गिरने के बावजूद अभी भी वहाँ पे मेटल में रैली बनी हुई है। सो मेटल की रैली का मतलब क्या हुआ? आगे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा आपके ऊपर। तो ये बात फैक्ट्स जो कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन का डर या चर्चाएँ बार बार हो रही हैं, वो सिर्फ हवा में नहीं हो रही, कुछ कुछ उसका सच्चाई है उसमें। तो इसी को प्रियम्प्ट करते हुए मार्केट 6 महीने आगे की स्थिति देखते हुए ये कर रहा। अब नोट की छपाई इतनी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, तो ये तस्वीर बनी, इसलिए मार्केट में कल अच्छी गिरावट देखने को मिली। और अच्छा, कच्चा तेल भी इधर आज की डेट में भी 8 मिलियन बैरल पर डे का कटौती चालू है उनकी, जो उन्होंने बढ़ाई नहीं है, तो $67 पे कूड़ी पहुंच गया। और ऊपर से यूएस ने यूएस का 25% प्रोडक्शन सीरिया, हाँ, जो सीरिया में मिलिशिया ग्रुप है, जो ईरान जिसको समर्थन देता है, उसने कुछ दिन पहले कुछ अमेरिकन जो वहाँ पे बेसिस थे उन पे हमला किया था, तो आज उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। सो खाड़ी में भी थोड़ी सी बहुत ये सिचुएशन बन रही थी, जो क्रूड के लिए अच्छी नहीं, वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पूरा सिनेरियो, जो पूरा सेटअप है, वो सिर्फ ये बताता है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, पैसे बना के निकल लेने, रुकना नहीं है। थोड़ा सा रफ पैच को हिट कर रहे हैं हम लोग, खैर अच्छी तेजी, एक तरफा तेजी, सब पॉजिटिव डिस्काउंट किया हमने, थोड़ा सा रफ पैच है, थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करने की जरूरत। और बॉन्ड यील्ड में उछाल से नर्वसनेस स्पेसिफिक, जैसे नीरज जी समझा रहे हैं, बॉन्ड यील्ड में उछाल दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स यूएस में माउंट हो रही है। अब इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स माउंट हो रही है तो स्टॉक मार्केट चिंतित इसीलिए है कि इसका मतलब हो सकता है फेड जो अपने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, परचेज प्रोग्राम है, उसको रिड्यूस कर दे, है ना, जो अब तक सपोर्टिव पॉलिसी रही थी, थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले, तो वो नर्वसनेस आपको इक्विटी मार्केट में क्रीप इन होती हुई नजर आएगी। और थोड़ा सा मूड बिगड़ा है, हफ्ते का आखिरी दिन है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दिन हो सकता है, तो मैंने कुछ आज, और मोतेरा ने बताया है कि बॉलर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है टीम में, तो पिंक बॉल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो थोड़ा सा मैंने रेड रखा है। पिंक बॉल से बात करता हूँ, पिंक बॉल में क्या होता है, पिंक कलर जल्दी उतरता है जब धूल से वो टकराता है, तो उसमें जो लेदर की डबल लेयर होती है, इसीलिए कि वो जल्दी सब खराब होगी,
तो डबल लेयर जब आप लेदर की डबल लेयर डालेंगे उसमें, हालांकि पतली पतली होती है, तो वो स्पिन के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। एक लेयर ख़राब होती है, दूसरी लेयर अंदर आती, तो हो सकता है कुछ उसमें टिंकरिंग हो, तो उससे बहुत स्पिन करती है। कल मैं इसकी एक चर्चा सुन रहा था कि ये पिंक बॉल भी कल के मैच के लिए बड़ी जिम्मेदार है, लेकिन दोनों के लिए थी भाई, ऐसा थोड़ी कि खाली यही खेल रहे थे। हमारे लिए कहा जाता है हम थोड़ा स्पिन को बेहतर एशियन सबकॉन्टिनेंट के, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब स्पिन बढ़िया खेल लेते हैं क्योंकि यहीं ज़्यादा चलती है। तो पिच थोड़ी सी मुझे लगता है ये नासाज है, लेकिन इस पिच नासाज का फायदा कैसे उठाएंगे आप? देखिए, टीम इंडिया और वो जो इंग्लैंड की टीम है वो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह सब घूम लेंगे। 5 दिन का शेड्यूल था, 2 दिन में निपट गया है, तो 3 दिन घूमते फिरते रहेंगे, उनका तो काम हो गया। मैं क्या करूंगा, मैं थोड़े से गेंदबाज उतारूंगा टीम में। ट्रेडिंग का मन है, वीकनेस स्क्रीन पे क्रीप इन हो रही है, मुझे लगता है आज दिन के दौरान प्रॉफिट टेकिंग सीरियस हो सकती है, पर एनीबडी इज गेस, बाजार किसी को समझ में आता है नहीं। इवेंचुअली आप स्क्रीन देखें और ट्रेड करें, जो आपने वर्ड यूज करा बिल्कुल सही है, तो स्क्रीन देखिएगा दिन के दौरान, ये बॉन्ड यील्ड कहीं यूएस में ठंडी पड़ गई, हमारे तेजी आनी शुरू हो गई लो लेवल से, तो सब एग्जिट कर दीजिएगा। और ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड नए लेने हैं तो बैठिए और देखिए जरा स्क्रीन को, ऑब्जर्व करना का दिन हो सकता है आज। शुरुआत कर रहा हूं कुछ गेंद कुछ क्या ज्यादा गेंदबाजी आज मेरी टीम में, बहुत दिनों बाद। बैंक ऑफ बड़ौदा पहला सेल कॉल है ये, और सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स मुझे लगता है दबाव दिखाएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। सरकारी बैंक्स तो स्पेसिफिकली निर्मला मैम को ट्वीट के बाद अब तक वो रिएक्शन दिखा नहीं है स्क्रीन पर, ट्वीट में जब उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, हालांकि अब तक अभी भी प्राइवेट सेक्टर, हम लोग न्यूज रूम में चर्चा कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर अभी भी पार्टिसिपेट करता है, तो मैम का कहना क्या था स्पेसिफिकली कि आप प्रेफरेंस अब प्राइवेट बैंक को दिया जाएगा। जो भी हो, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली करने का कॉल क्यों दे रहा हूं सुबह सुबह, ये समझिए QIP बुक लॉन्च कर दिया इन्होंने, अब अच्छी तेजी आ गई है, सही सामने है फायदा उठाने का उस तेजी का। 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, एडिशनल 2,000 करोड़ रुपए, अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दे दिया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, तो 4.5 की जगह 2,000 करोड़ रुपए और ग्रीन शू मान लीजिए वो ऑप्शन है, तो मैसिव फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। और इसीलिए जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 81.70 रुपीज है, यानी कि जो भाव आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उससे 9 से 9.5% डिस्काउंट पे फंड रेजिंग होती हुई नजर आएगी। और आज बाजार भी रफ पैच पे पहुंच गया है, मुझे लगता है स्टॉक में सीरियस सेल ऑफ शायद आपको आज देखने को मिले, इसीलिए पहला सेल कॉल है ये 86। और मेरा मानना है 86 मैंने कंजर्वेटिव रखा है, मैं आमतौर पर कंजर्वेटिव ही रखता हूं, लेकिन शायद अच्छा खासा डाउन साइड रिस्क स्टॉक में खुले, तो इसीलिए आप अगर ट्रेड ले रहे खुलने के बाद भी मुझे पता नहीं लग रहा है और दबाव गहराएगा, तो 86 पहला, और अगर ऐसा हुआ इसके नीचे और जा रहा है तो ट्रेल करेंगे अपने स्टॉप लॉसेस को। RBL बैंक दूसरा, और RBL बैंक स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने कहा था बैंक्स में मैं एक्सपेक्ट, कल भी आपने नोटिस करा हो जो ऊपर से निफ्टी ठंडा पड़ के एक्सपायरी हुई वो लार्जली निफ्टी बैंक के चलते हुई थी, 600-650 पॉइंट निफ्टी बैंक में ऊपर से कूल ऑफ हुआ था, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी, तो कुछ हद तक इंडिकेशंस आ गए थे, ICICI बैंक जैसे दिग्गज लाल निशान में जाके बंद हुए थे, तो वो प्रॉफिट टेकिंग की झलक कल दिखने लगी थी हम लोगों को, आज मुझे लगता है एग्रवेट होगी RBL बैंक। एक और वजह, विश्ववीर आहूजा वो MD और CEO साहब जो हैं, उन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद रिपोर्टिंग करी है कि उन्होंने 14,40,000 शेयर्स RBL बैंक के बेचे हैं। ईएसओप में मिले थे क्या? अब ये कहां कहां मिले थे मुझे नहीं पता। विश्ववीर आहूजा साहब की जो टोटल होल्डिंग है इस समय उसका 17% कल बेच दिया गया है, हालांकि वो कह रहे हैं मैं अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट, घर वर खरीदना उसके लिए कर रहा हूं, लेकिन मैसिव हुआ है। अब ये जो इतना तगड़ा 14,450 लाख बेचे हैं, अब उनके पास 70 लाख शेयर्स बचे हुए हैं, लेकिन तगड़ा सेल ऑफ था। और मैं बैंक्स को लेकर वैसे ही आज कह रहा हूं बिकवाली का प्रेशर शायद हावी हो, 242 तक के लेवल्स कंजर्वेटिव हुआ, ये वॉलेटाइल बहुत है, हाई बीटा वाला काउंटर है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, नीचे जाता है तो और शायद दबाव खुलता हुआ नजर आए। तो ये दो, बैंक ऑफ बड़ौदा, RBL बैंक। अच्छा, मैं जो फार्मूला आशीष ने बताया उसी फार्मूले पर हमने अपनी टीम बनाई है। हाँ, मतलब कि स्क्रीन देखते रहिए, अगर पलट जाए गेम तो स्टॉक से निकल जाइएगा, क्योंकि मेरे लॉन्ग साइड के हैं सारे। हाँ, तो फिर ओपनिंग होने दीजिए, ओपनिंग के बाद अगर रिकवरी आनी शुरू हुई तो फिर यही पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी। ये है मेटल्स। तो मेटल मैंने आपको ये शुरुआत में हिंट मिल गया होगा आपको कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं, कॉपर के प्राइसेस हाईस पे हाईस चल रहे हैं, तो नैल्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, तीन एक साथ दिखाइए, गजब की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में है। अभी सुबह तक भी, कल थोड़ा सा नरम पड़े उसके बावजूद एल्युमिनियम और कॉपर में तेजी बनी हुई है, और ये तेजी सिर्फ कल की नहीं है, हफ्ते का देखिए, महीने का देखिए, 3 महीने देखिए, 6 महीने देखिए, और ज़बरदस्त तेजी है जो बन रही है। तो अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि ये तो अभी, मतलब आप पिछले जो 10-12 साल का डाउन टर्न था क्रूड मेटल्स का, वो अब पलट रहा है यहाँ पे, और जो मेटल की साइकिल होती है
वो 10-10, 12-12 साल ही चलती है, तो जब तक अंडर परफॉर्म किया तो अब आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ से हो सकता है कि आज थोड़ा गैप डाउन दिखे, मूड सेंटिमेंट खराब हो, तो अगर स्टॉक पलटेंगे मार्केट में तो यही सबसे तेज रैली करते हुए आपको दिखेंगे, तो इसलिए मैंने इनको रखा है। लेकिन राइडर वही है कि स्क्रीन देखते रहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि यार मार्केट में बहुत सेंटिमेंट खराब है तो छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी थोड़ी ट्रेड करना, लेकिन अदरवाइज फिर आपको ये आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत स्ट्रेंथ है। बहुत सारे जानकारी मानते हैं कि वन डे सन ऑफ सेल ऑफ भी कई बार होता है, तो हमें लगता है कि तीन स्टॉक वेदांता, क्योंकि एल्युमिनियम के बड़े प्लेयर्स ये हैं, कॉपर के बड़े प्लेयर्स ये हैं, हिंदुस्तान जिंक भी उसी सेगमेंट में है, और नैलको भी, तो ये तीन स्टॉक खरीदारी करने के लिए। कॉपर को कहा जाता है डॉक्टर कॉपर, डॉक्टर कॉपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लोबली मूड का सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है, इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अगर बिक ज्यादा रहा है तो मूड अच्छा है, तो कॉपर इस समय गजब की तेजी दिखा रहा है। और कॉपर ये सब रीजंस हैं जो तेजी हो रही है, आप समझिए, एक तो रिवाइवल की बात हो रही है इकोनॉमीज में, दूसरा कॉपर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा, और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलन की बात कर रहे हैं, और तीसरा ये पैंडमिक के बीच में दुनिया भर में कहीं केपेक्स अनाउंस ही नहीं हुआ है, कहीं अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा, मैं चूंकि ज्यादा समय नहीं अपने पास, चिली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, जितनी माइंस इस समय दुनिया में या जितना एक्सपेक्टेड कॉपर है दुनिया में, उसके कैलकुलेशन के आधार पे जो बहुत ज्यादा जॉब है, पिछले एक साल में बहुत माइन हुआ नहीं है, हालांकि रीयूजेबल कमोडिटी है ये, लेकिन उसके बावजूद डिमांड के सामने थोड़ी थोड़ी ये कम पड़ रही है, तो ऐसा नहीं कि भंडार नहीं है, अगले 100 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस समय सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा वो महंगाई की तरफ। चिली सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का, कॉपर का, चिली चिली का नहीं है चिली चिकन का हो सकता है ये स्टॉक, ये जो ब्रॉडर बात नहीं करता रहूंगा, स्टॉक जल्दी जल्दी निकाल देता हूं आगे। कोटक महिंद्रा बैंक बिकवाली करने का कॉल, कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछली सीरीज में भी रह रहे के इंडिकेशंस दे रहा था कि, अच्छा यूएस में भी हुआ क्या, कई सारे वो स्टॉक्स, ज्यादातर वो स्टॉक्स थे जो सैचुरेशन पॉइंट पे लग रहे थे, जिन्होंने अपसाइड वो हिट करा और वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो कोटक महिंद्रा बैंक में दबाव लग रहा है मुझे। कल भी मैं आईसीसी बैंक की बात कर रहा हूं, कोटक में भी प्रेशर माउंट होना शुरू हो चुका था 1850 के लेवल्स के लिए। लार्सन एंड टूब्रो आज लार्जली निफ्टी के कुछ हैवी वेट्स हैं जो शायद प्रेशर बनाने का काम करें। एलएनटी को स्क्रीन पर लेकर आइए, दबाव के साथ 1470 के टारगेट के लिए अप्रोच करूंगा। और जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी बिकवाली करने का कॉल है, बहुत बढ़िया तेजी हुई आज, कंसर्न्स हैं ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, है ना, और इस कम अब इसके साथ क्या हो गया है, इसके साथ सिर्फ डोमेस्टिक रिस्क नहीं, अब इसके साथ ग्लोबल रिस्क अटैच्ड है, क्योंकि इसने एग्रेसिव एक्विजिशन कर डाला है, तो आउट अभी कोई वो दिक्कत बात है नहीं, पर अभी आउट परफॉर्मेंस के बाद ये प्रॉफिट टेकिंग का सही मौका बन जाता है, इसीलिए शायद स्क्रीन पर आपको दबाव देखने को मिले, 3000 के वापस नीचे स्लिप हो, अच्छी पेडिग्री के सारे स्टॉक्स होंगे, लेकिन आज शायद दबाव दिखाते हुए नजर आए, इसीलिए यहाँ पे एक सेल कॉल। हिंडाल्को टिन प्लेट, दो और बाई साइड के यहाँ पे, हिंडाल्को में तो आप पिछले एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शॉर्ट का परफेक्ट कैंडिडेट है, लेकिन मैं लॉन्ग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एल्युमिनियम में बहुत भयंकर तेजी ग्लोबल मार्केट में है, टिन में भी बहुत तेजी है, टिन का जो इंटरनेशनल मार्केट देखिए आप, वहाँ पर भी बहुत तेजी है, तो हिंडाल्को और टिन प्लेट में भी खरीदारी करके चले, तो 5 बेस मेटल के स्टॉक हमने आपको बताए, अब बाय डिपेंडेबल। डिपेंडेबल दो दिनों से एक स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं जो पीएलआई स्कीम आई है उसके चलते रडार पर रखना है, और मैंने पूरी डिटेल, मैं उस पर समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने पेरेंटेज की बात करी थी, कैसे प्रमोटर्स बदले हैं और कैसे ये कंपनी स्वीट स्पॉट में सॉलिड पेरेंटेज के साथ सही बिजनेस में, और अब सरकार की तरफ से टेलविंड्स आ रही है। आपने देखा किस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन इस काउंटर में हो रहा है, मुझे लगता है लाइकली एक्युमुलेशन कंटिन्यू होगा, इसलिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। रेन इंडस्ट्रीज कल नतीजे इसने अपने पेश किए, अच्छे दिख रहे हैं, 18% की ग्रोथ रेवेन्यूज में देखने के लिए, 3000 करोड़ से गया, मुनाफा 150% बढ़कर 300 करोड़ को पार कर गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YOY दोनों में रिजल्ट आपको बढ़िया दिखेंगे, और ये भी उसी कोर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंट करता है, 180 के टारगेट के साथ इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएगी तो बताएंगे आपको फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से, और फ्री हिट ऑफ प्रिंसिपल में जीएमडीसी और एनएमडीसी दो माइनिंग कंपनीज भी यहाँ पे शामिल की, और फॉर्चुनेटली दोनों सरकारी कंपनी है, तो अब मेटल में तेजी है तो फिर माइनिंग कंपनियां क्यों पीछे रहेंगी, मुझे लगता है कि इसमें भी आपको फोकस करना चाहिए, छोटे टिकट साइज का, इसलिए ट्रेड करना ईजी रहेगा आपके, खरीदारी करके चलिए, जीएमडीसी के लिए 70 और एनएमडीसी के लिए 137 का टारगेट है। अच्छा फ्री हिट पे कल की कई अब डिपेंडेबल फ्री हिट्स, ये रिपीट कर रहा हूँ स्टॉक्स को, जस्ट डायल, ये लॉन्ग साइड के
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्ग साइड का था, जसडायल दूसरा लॉन्ग साइड का, और कल हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे थे कैसे B2B में अभी सॉलिड पकड़ बनाने जा रहा है, इसके पीयर सेट जो ऑलरेडी लिस्टेड है उस स्पेस में क्या मैसिव वैल्यूएशंस कमांड करते हैं, और वो आपने स्क्रीन पे आता हुआ देखा किस तरह की बाइंग इमर्ज हो रही थी। जसडायल को डाप रखना है, स्टॉक अभी भी बहुत अच्छे फायरवर्क्स दिखाएगा। अब वापस सेल पे लौट रहा हूं सारे स्टॉक्स टीम में। टाइटन अगला स्टॉक है जिसमें आज एक्सपेक्टेड है वीकनेस क्रीप इन होगी, पर जैसे बात हुई हम लोगों की गैप डाउन होगा, गैप डाउन के बाद अगर फर्दर वीकनेस एस्केलेट होती है तब ये ट्रेड अप्रोच करने, नहीं तो गैप डाउन के बाद फिर वो मलाई निकल चुकी है आपके लिए। तो स्क्रीन देखना है फिर सेल करना है, लेकिन मेरे लिए क्या कल की क्लोजिंग से मेरे लिए वो कंफर्ट मिल जाता है 1391 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के आखिरी के दो दो यानी कि पावर प्ले वाले स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आखिरी के दो स्टॉक्स ये भी मेटल के हैं, सनफ्लाई आयरन और गैलेंट मेटल। क्योंकि स्टील में तेजी, सब में तेजी, तो फिर ये छोटे वाले स्टॉक्स जो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको ज्यादा सुटेबल लगते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चले। सनफ्लाई में 68 टारगेट और गैलेंट में 51 का टारगेट। तो मेरे भी आखिरी के दो स्टॉक्स भी बैंक्स में सेल हैं। दोनों दिग्गज हैं, उसमें एक में तो कल ही झलक दे दी थी ICICI बैंक जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी। मुझे लगता है ICICI बैंक और SBI दोनों में बिकवाली करने के मौके हैं। SBI वापस शायद 400 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आए, तो बैंकिंग में खास तौर पर प्रेशर, और कई सारे ऐसे स्टॉक्स जहां पे मेरा मानना है गैप डाउन के बाद भी शायद कुछ प्रेशर क्रीप इन हो, उनमें लार्जली सेल के साइड्स के कॉल है। आज बहुत दिनों बाद तस्वीर एकदम उल्टी हो गई। नीरज जी क्या पसंद आ रहा है? चॉइस नहीं छोड़ी आपने, मतलब ऊपर से तक बैंक ही बैंक सेल कर डाले। SBI के साथ में जाऊंगा, SBI बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन निर्मला जी ने जो ट्वीट करके खबर दी है, अब खबर तो सही है क्योंकि उन्होंने स्वयं ट्वीट किया है, अगर ये खबर एग्जीक्यूट होती है तो इसका सबसे बड़ा लूजर SBI होगा, क्योंकि सारा ट्रेजरी ट्रांजैक्शन, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स, बैंक कर्मचारियों के अकाउंट, ये सब ज़्यादातर SBI के थ्रू होते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसे पैरेलल इकोनॉमी चलती है SBI हमारे लिए, तो इसको बहन अगर वो बिजनेस शिफ्ट होता है दाएं बाएं तो इनको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि SBI में जो हाल फिलहाल की रैली ज़बरदस्त बनी है वो शेड होते हुए दिखेगी, तो ये कैप्टन चॉइस है। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अभी तो उसको चॉइस आपने कहा छोड़ी, एक भी सेल नहीं रखा, मेरा सेल का मूड था। लेकिन सनफ्लैग आयरन नहीं बता सकते हो कि ये पसंद है, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। नहीं ये हो सकता है आउट परफॉर्म करें, इस पॉकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सनफ्लैग आयरन हम लोग बात कर रहे हैं जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी आने की, हम लोग तमाम पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं। ये ऑटो स्पेस के लिए सबसे ज्यादा काम करती है, वाइट गुड स्पेस के लिए सबसे ज्यादा काम करती है, बढ़िया धंधा है, सॉलिड पेरेंटेज है, कहीं वीकनेस क्रीपिंग हो तो स्टॉक में एंटर करने के मौके हैं। और आज अगर ये पॉकेट वाकई आउट परफॉर्म करने वाली है तो मुझे लगता है आपने सही कहा, ट्रेडिंग रिलेटेड बेट है, अच्छे मूव्स देने का दमखम रखेगी। चलिए मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी हफ्ते का आखिरी दिन, और आज थोड़ा सा ना वो मुतेरा टाइप विकेट है, थोड़ा सा लाल निशान के साथ ज्यादा कामकाज का मन, और उसमें रीजंस हैं सबके पीछे। ग्लोबली हम लोग एक रफ पैच हिट कर चुके हैं, बहुत ऑब्वियस है, बॉन्ड यील्ड्स ने जो उछाल दिखाया उससे अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी क्लास में हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग, रिस्क ऑफ ट्रेड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पे QIP इश्यूएंस की तैयारी, बहुत तगड़ा पैसा जुटाने की तैयारी हो रही है, QIP बुक लॉन्च कर दी गई है 9.5% डिस्काउंट पर, तो ये एडेड प्रेशर डालेगा स्टॉक पर। RBL बैंक जहां पे MD CEO साहब ने कल अपडेट दिया है कि उन्होंने स्टेक बेचा है 14-15 लाख शेयर्स के आसपास, इनकी कुल होल्डिंग का 17% कल बेच दिया गया है, RBL बैंक पे इसका एडेड प्रेशर देखने को मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, जुबिलेंट फूडवर्क्स, आज जब मैं बात कर रहा हूं दबाव की, कुछ प्रॉफिट टेकिंग की, तो ये स्टॉक्स दबाव में रहेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स क्योंकि आज जो वीकनेस आनी है ये इंपोर्टेड दबाव है, और जुबिलेंट फूडवर्क्स हाल में अभी एक्विजिशन करें तो एडेड रिस्क हो जाती है, इस समय सेंटिमेंट प्रॉफिट टेकिंग का बहाना बनेगा, धंधे पे कोई इंपैक्ट इस समय तो नजर नहीं आता लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग का बहाना बन जाएगा। डिपेंडेबल और फ्रीएट सिर्फ दो बल्लेबाज हैं। TVS इलेक्ट्रॉनिक जो कई दिनों से आपको मेंशन कर रहा हूं कि इसको रडार पर रखना है, टेलविंड स्ट्रांग है PLI स्कीम की इस कंपनी के लिए, और जसडायल जहां पे बहुत तगड़ा वो B2B बिजनेस मॉडल लॉन्च करा है, और इसका पीयर से जो बाजार में लिस्टेड है बहुत तगड़े वैल्यूएशंस कमांड करता है, जसडायल उस पाथ पे मूव कर चुका है, इसीलिए आपने देखा स्क्रीन पे इस तरह की तेजी। फाइनली टाइटन, SBI और ICICI बैंक, तीनों में बिकवाली करने के। चलिए पूरी तरीके से खरीदारी वाली टीम, और मेटल पे फोकस है, फेरस नॉन फेरस दोनों आपको इस पर देखने को मिलेंगे। तो खास तौर पे एल्युमिनियम और कॉपर में बहुत तेजी है, इसीलिए
नेल्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडालको, इन सबको इसमें रखा है। टिन में बहुत तेजी है इसलिए टिन को भी रखा है। रेन इंडस्ट्रीज के नतीजे आए थे, ये भी उसी सेगमेंट की कंपनी जिसमें फोकस करिए। मेटल पूरा स्पेस काफ़ी मजबूती दिखा रहा है तो इसलिए माइनर्स क्यों पीछे रहेंगे, GMDC, NMDC और अंत में सनफ्लैग और गैलेंट इस्पात। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं ट्रेड करना, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर घूमेगा तो जिस तरह की तेज़ी मेटल में है ये स्टॉक पलटते हुए आपको दिखेंगे, तो बहुत ही ध्यान से स्क्रीन को देख के ट्रेड करें।